So hello guys, very good morning. So welcome back to our another vlog. So today vlog gonna be very 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 special, just because of I'm going to Bihar today. But right now I'm not gonna office today. तो बने रहना, फाइनली वो दिन आ गया जब स्टेशन की वो टिंग 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 आवाज़ कानों में जाती है, रास्ते भर अच्छे अच्छे खेत, वो पता नहीं अजीब अच्छी सी फीलिंग है, अजीब फीलिंग नहीं, अच्छी फीलिंग है। तो बने रहना इस पूरे ब्लॉग के साथ, सबसे मिलवाऊंगी, पूरा गांव घुमाऊंगी, ठीक है। ये गाना छुपके आ रही है, गाना गा गा गाना। हाँ बस दिखावा करती है आपकी मिट्टू, जा रही उसके घर, इसके घर जा रही, कुछ बना होगा तो खा लूंगी थोड़ा सा। जाऊं नानी के घर में बना है, नानी के घर ही तो। अभी थोड़ी देर में गली मोहल्ले में आएगी। मैं बोली अपने घर जा, सो जाओ सो जाओ। तेरे पापा के घर है ये, ए अपने घर जा, अपने घर जा, चल जा अपने घर। तेरे घर की मौज है, यहाँ भी खाती हूँ वहाँ भी खाती हूँ। सही मौज हो रही है उसकी। अरे चाची बरस तक तो। ये ना वही चाची है जो उस दिन मेरे घर में सबको मीठा देकर गई, लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मैंने खाया ही नहीं है। ब्लॉग शूट कर रही है। हाय बोल दे। हेलो ओए मिट्टी, हाय बोल, हाय बोल, हाय। ते अभी तेरी नानी मेरे को मीठा खिलाएगी 2 मिनट में और तेरे को नहीं मिलेगा। गुलाब जामुन है, स्पंज वाले रसगुल्ला है, जो खानी है सी। चलो चलो आती हूँ मैं। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। फेस कितना अच्छा लग रहा है यार, एकदम क्लीन क्लीन। यह है स्टेशन, स्टेशन मतलब पटरी, ये हमारे घर के पास वाली पटरी है। मैं अभी मम्मी के ऑफिस गई थी किसी काम से, तो इधर से निकल कर आते हैं, बाकी मैं मिलती हूँ घर से। इतनी शानदार धूप आ रही है यार, खतरा है यहाँ पे, रुक नहीं सकते। सो क्यूरीज, अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और मेरे पापा ना, एक्चुअली मेरे पापा के 2 शिफ्ट होती है, एक होता है मॉर्निंग और एक होता है इवनिंग का। तो अभी मेरे पापा आज मॉर्निंग शिफ्ट गए हैं क्योंकि शाम को लेट हो सकता है, अगर पापा किसी की 10:30 बजे छुट्टी होती है और उन्हें बोला आज अपना मॉर्निंग कर लेना। तो पापा अभी आने वाले, तो पापा के लिए मैं सोच रही हूँ कि गर्म गर्म रोटियाँ बना के रख देती हूँ, तो जिससे कि पापा आएंगे तो वो फटाफट से खा लेंगे, ठीक है। तो काम थोड़ा सा इजी जगह, मैं अभी तक नहाई नहीं, मैं पैकिंग में ही लगी हुई थी। सुबह मम्मी के ऑफिस चली गई, वहाँ से आने के बाद फिर मेरा कोई और काम हो गया, फिर कोई और ऐसे काम काम में ना पता है क्या होता है, बिजी हो जाती हूँ। फिर सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ आज मैंने ऑफिस लगी, क्योंकि इतना काम है, सॉरी कि इतना काम है, इतना काम है अभी। पहले रोटी बनानी, मैंने अभी तक खुद कुछ नहीं खाया है। सुबह में छोले भटूरे लाई थी ना, इतने बेसुआद थे ना उसके छोले, सूखे भटूरे खाने पड़े हैं मेरे को, बट मैं क्या करूँ, खाना पड़ेगा। तो फटाफट से पहले रोटी बनाते हैं, उसके बाद आप लोग देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी बज गए हैं रात के 10। हमने अपने खरगोशों को यहाँ पे रख दिया है और ये बैग, और ये देख लो लुक ट्रेन की, तो मैंने पहना है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, गरम गरम सा ये भी वाला, ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और वाइट शूज़। तो ये है पूरी लुक, तो ये हमने ले लिया है और अब लुक देख लो, लुक एक नंबर लग रही है। तो गाइस हम लोग अभी निकल गए हैं, ये मेरे हाथ पे, ये मैंने अपना बैग ले लिया, तो अभी निकलते हैं। ये है मेरी फुल लुक, ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये दूसरा बैग, तो धीरे धीरे निकल रही है पूरी फैमिली।
मम्मी लोग अंदर ही हैं, चाबी ले लो। तो मम्मी लोग निकल रही है। मेरा मोबाइल किसने लिया? गाइस आज हम लोग इतनी गंदी त्रासदी हो गई ना, अभी हम लोग ट्रेन में, ट्रेन चालू हो चुकी है 11:40 की ट्रेन थी, मतलब हम लोगों ने ना दो ऑटो करे थे शादीपुर से, एक ऑटो में मतलब आधी फैमिली और एक ऑटो में मैं, मम्मी और पापा। अभी तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे पापा और बैठी मम्मी इस साइड पे, इस साइड पे मौसी बैठी है, उस साइड पे एक सिस्टर बैठी है, इस साइड पे एक सिस्टर बैठी है, जो शूट कर रही है। अरे मैं कह रही हूँ यूपीआई से अभी वो करते पेमेंट कर दे रही हूँ। इतनी गंदी ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी बताती हूँ क्या हुआ है। इन लोग का ऑटो हम लोगों से पहले आ गया, कर दिया हम लोगों का ऑटो ना जाम में फंस चुका था बड़ी गंदी तरीके से, और हम लोग ना परेशान हो गए इतने जल्दी, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी उतरो और चलाओ, वहाँ के लोग भी मतलब हमसे ज्यादा परेशान हो गए, आप लोग उतरो, आप लोग की गाड़ी खुल जाएगी। मैं बता नहीं सकते, मतलब दिल निकल गया ना, यहाँ आ गया था कंठ में। गाड़ी तो चली जाती, हम छूट जाते हैं, हम छूट जाते हैं, गाड़ी तो जहाँ जाना था वो चली जाती। इतनी महंगी टिकट जो ली उसका क्या करते हैं, इतनी महंगी टिकट ली सारा खराब हो जाता, बाबा हमें बुलाते हैं लेकिन नहीं, बाबा जी के पास से हमारी हमारी सीट पर कोई और जाता, खाली सीट जाती हमारी। सही सलामत अभी मतलब ट्रेन में बैठ चुके हैं, बाकी आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, नेक्स्ट जो है वो मैं कल से कल से जाएंगे मंदिर, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, मेरे को लग रहा है 10 पार्ट निकल कर आएंगे, ठीक है।